Good morning, students. I am Amita Seth. Welcome to Engaging in Online Classes. And today we'll discuss a new poem for class 12, that is Aunt Jenny First Tigers, which is composed by Adrian Rich. Adrian Rich is a very great poetess who used to usually write about women empowerment and the trees, like a poem which is also composed by her. So she usually writes about women empowerment, and in this poem also she discusses about the life experience of women after marriage and how she faces male dominating society, and she desires to live freely, but anyhow she used to get entangled with the marital status, and her desires and her freedom all are actually used to bounded by patriarchal society. So first of all, let's discuss the first stanza. Aunt Jenny First Tiger sprints across the screen. So actually in this poem what is there, कि एक aunt है, aunt Jennifer है, जो कि एक aged lady है, और उनके हाथ में एक मतलब एक panel है, एक flat surface है जिसके ऊपर वो embroidery कर रही है, ठीक है, और वो embroidery किसकी कर रही है, she is doing the embroidery of a tiger, ठीक है, बहुत सारे tigers हैं, tigers की embroidery कर रही है वो. और एक्चुअली फर्स्ट इंजा में हमें ये देखने को मिलता है कि वो किस तरह से टाइगर्स को बहुत ज़्यादा उनकी मतलब उनकी उनके बारे में के शिवालिक नेचर के बारे में बताते हैं कि हाउ दे आर बोल्ड एंड वेरी यू नो स्लीक एंड दे यूज टू लीव अ फ्री लाइफ, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइगर की जो मतलब एबिलिटीज़ हैं या उनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं उसको डिस्कस कर रही हैं. तो एक्चुअली वो खुद एक बंधनों में बंधी हुई है, आफ्टर मैरिटल स्टेटस एक्चुअली शी इज़ नॉट फीलिंग फ्री, है ना, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरी हुई हैं. तो वो चाहती हैं एक टाइगर जैसी ज़िंदगी जीना, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता रही हैं कि टाइगर कैसा होता है, और फिर वो बताएंगे कि वो कैसे ज़िंदगी जीना चाहती हैं. सो आंट जेनिफर टाइगर्स स्प्रिंट्स अक्रॉस द स्क्रीन. तो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन पे जंप कर रहे हैं. Bright topaz denizens of a world of green. Bright topaz, topaz क्या होते हैं, गोल्डन, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्राइट येलो कलर का एक जाम होता है. एंड denizens, denizens means होता है dwellers, जो हम कहते हैं ना रहने वाले लोग, dwellers, inhabitants आप कह सकते हैं. सो कहाँ पर रहते हैं ये जो ब्राइट, तो वो जो जिस धागे से बना रही हैं उन टाइगर्स को, वो कौन सा है, गोल्डन कलर का, ब्राइट येलो कलर का थ्रेड है. और वो कह रही हैं कि ये जो ब्राइट येलो कलर के जो डेनिजन्स हैं, यानी कि जो रहने वाले हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन यानी जंगल, तो ये लोग जंगल के रहने वाले हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. और अगर कोई मैन जो है वो किसी पेड़ के नीचे बैठा होता है तो दे डू नॉट फियर, उनसे उनको डर नहीं लगता है. अब यहाँ पे देखो इन्होंने मेन MEN यूज़ करा, मतलब यहाँ पर मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात हो रही है. और जिस तरह एक औरत जो है, एक लेडी जो है वो डरती है, वो मतलब सप्रेस की जाती है किसी मेल से, है ना, मेल को क्या समझा जाता है कि मेल जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है फीमेल से. तो यहाँ पर बताया कि अगर कोई बहुत सारे आदमी भी अगर किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो भी शेर उनसे डरता नहीं है, लेकिन एक लेडी ज़रूर उनसे डरती है, क्योंकि लेडी जो है उसको सोसाइटी में हमेशा मेल को ही सुपीरियर माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा सप्रेस होना पड़ता है, हमेशा उसे दबना पड़ता है. द पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टनिटी. और वो बिल्कुल जो शेर हैं वो दबे पाँव चलते हैं, पेस मतलब फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ते हैं. इन अ स्लीक, स्लीक यानी बिल्कुल शांति से, आराम से, धीरे धीरे. शिवेलरिक, शिवेलरिक मीन्स ब्रेव, बहुत बहादुरी के साथ.
तो बहुत श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी मीन्स श्योरिटी, तो बहुत श्योरिटी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। उनमें काफ़ी बोल्डनेस है, वो काफ़ी शार्प हैं, वो काफ़ी कह सकते हैं कि वो बिल्कुल डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से। सो ये सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं? एक टाइगर की हैं कि वो जंगल का राजा है, द किंग ऑफ अ जंगल, और वो आराम से जीता है बिना किसी के डरे हुए, बिना किसी सप्रेशन के, उसे कोई नहीं दबाता है, खुली अपनी फ्रीली फ्रीडम वाली लाइफ जीता है। तो वैसी लाइफ आप किसको जीनी है? आंट जेनिफर को जीनी है। नाउ सी द सेकेंड स्टेंजा। अच्छा, फर्स्ट स्टेंजा में आप थोड़ा ये देख लीजिए कि इसमें थोड़ा पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो टोपैज डायनेसंस ये एक मेटाफर है, ठीक है ना, यानी चमकते हुए धागे और ड्वेलर्स को, इन दोनों को कंपैरिजन किया हुआ है। तो वो जिन धागों से उन टाइगर्स को बना रही है, तो उसने वो क्या बोला है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन यानी जंगल, तो इसने यहाँ पर कंपैरिजन लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि शिवेलरिक सर्टेनिटी सी की जो वॉइस है वो आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये अलिटरेशन हो गया, ठीक है। एंड स्लीक शिवेलरिक, यानी ये भी जो है शिवेलरिक सर्टेनिटी अलिटरेशन है, और यहाँ पर इन्होंने और तो कहीं नहीं है, द ट्री तो नहीं होगा, चलिए तो यहाँ पर अलिटरेशन है। नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। अब आंट जेनिफर की जो फिंगर है, फ्लटरिंग यानी शिवरिंग करना, धूझना जिसे हम बोलते हैं, तो हिल रही है वो, तो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो हिल रही हैं, फ्लटर कर रही हैं थ्रू हर वूल। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं थ्रू हर वूल? बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि जो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो वूल से फ्लटर इसलिए कर रही हैं बिकॉज ऑफ हर एज, क्योंकि एज हो चुकी है उनकी। और सेकेंड थिंग ये है कि जो उनकी फिंगर है वो इसलिए फ्लटर कर रही है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, और वो जब उनको टाइगर को एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनको एक अंदर से नर्वसनेस हो रही है, ठीक है, इसीलिए उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं। उनके फिंगर्स के ऊपर अपने जो मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या मैरिटल स्टेटस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो बर्डन है वो उनके ऊपर हैं, और इसी बर्डन की वजह से उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, और उनसे वो जो आइवरी निडल है जिससे कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसको खींचना भी उनको बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है उसे भी पुल होना। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी एज है, वो अच्छे से उसको नहीं कर पा रही है ना, और दूसरी बात ये है कि उनके हाथों पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिटल स्टेटस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हर तरफ वो बाउंडेड है किसी से अपनी मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन की वजह से उनका हाथ कांप रहा है और वो आइवरी निडल अच्छे से पुल नहीं कर पा रही है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो मासिव वेट यानी कि जो बहुत ज़्यादा भार है, अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड यानी रिंग ले लीजिए आप, रिंग होती है हाथों में पहनी जाती है, तो दिस इज एक्चुअली क्या शादी के वक्त रिंग पहनाई जाती है, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ के या दियस यू आर मैरिड, है ना। तो जो अंकल वेडिंग बैंड जो है उनका जो बोझ इतना ज़्यादा है उनके हाथों पर कि उनके हाथ जो है वो फ्लटर कर रहे हैं, कांप रहे हैं, दिस इज एक्चुअली हाइपरबोल। हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा के एग्जाजरेटेड करा हुआ है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोला हुआ है, जबकि ऐसा तो नहीं होता ना, इतनी हैवी रिंग थोड़ी ना है कि उनका हाथ कांपने लग गया। उनके कहने का मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैरिज की इतनी ज़्यादा है कि वो अपने हाथ को अच्छे से उस मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत उनको भारी लग रही है और इसी वजह से उनका हाथ कांप रहा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके हाथों पर आके बैठ गई हैं, इसी वजह से उनका हाथ जो है कांप रहा है, वो अंदर से बहुत नर्वस हैं, वो फ्री जीना चाहती हैं टाइगर की तरह, लेकिन हर तरफ उनको पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ ने बाउंड कर रखा है, उन्हें बांध रखा है कि वो जैसी लाइफ जीना चाहती हैं वो नहीं जी पा रही हैं।
इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि मासिव वेट जो है वो अंकल्स वेडिंग बेल्ट का है, जिससे कि वो वहाँ पर अच्छे से नहीं रह पा रही हैं। Then see the next paragraph. When aunt is dead, last में third stanza में जो Edward Rich है वो क्या कहना चाहती हैं कि when aunt is dead, जब aunt की death हो जाएगी, her terrified hands will lie, और जो उनके terrified hands हैं, यानी कि जो बहुत थके हुए जो hands हैं, डरे हुए जो हाथ हैं, वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे, lie. Still ringed with orders, लेकिन फिर भी उनके हाथों में क्या रहेगा, ringed, ringed यानी कि जो चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, जो हाथ में rings पहनी जाती हैं, तो तब भी orders मतलब होता है unpleasant feeling, या हम इसे कह सकते हैं कि tension है ना, तो जो tension है या unpleasant feeling है फिर भी उनके हाथों में बंधी हुई ही रहेंगी, she was mastered by. तो चाहे आंट की डेथ भी हो जाए लेकिन उनके हाथ जो डरे हुए हैं फिर भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंधे ही रहेंगे, यानी फिर भी वो फ्री नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि डेथ के बाद वो फ्री हो जाएंगी, होता है ना कि ऑब्वियसली आफ्टर अ वुमन डाई तो वुमन को बहुत सारे बंधनों से बांधा जाता है, चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें रहती हैं उसके बॉडी पर, तो डेथ के बाद भी जो है उनको इस चीज़ों से फ्री नहीं किया जाएगा, वो वैसे की वैसे ही बंधी हुई रहेंगी अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो कि जिंदा होते हुए वो निभा रही हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रैंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, और डिफरेंस क्या रहेगा कि उनकी तो डेथ हो जाएगी लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंधी रहेंगी, लेकिन जो टाइगर है वो चाहे वो डेड भी हो जाए आंट, तो भी टाइगर्स जो हैं वो अपने जो कि पैनल पे वो बना रहे हैं जिस फ्लैट सरफेस पे, वो हमेशा इसी तरह निडर रहेंगे, इसी तरह मतलब बोल रहेंगे, शिवालिक रहेंगे, इसी तरह जंप करते रहेंगे, बिल्कुल प्राउड फील करते रहेंगे और हम कभी किसी से नहीं डरेंगे। यानी चेंज टाइगर में कभी नहीं आएगा, चाहे आंट की डेथ भी हो जाएगी तो भी टाइगर वैसे ही बोल्ड एंड अनअफ्रेड रहेंगे, फिर भी उनमें कहीं पर भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, सो ये पोयम है, इस पोयम में हम कह सकते हैं देयर इज अ क्वाइट कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ स्टाइल्स ऑफ आंट एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ टाइगर। टाइगर इज बोल्ड, टाइगर इज स्ट्रेस फ्री, टाइगर इज sharp, and there is a contrast between the lifestyle of these two, and on the one side we can say that aunt, she was living a very, you know, depressive and suppressive life, whereas tigers, they were bold, they are bold, chivalric, they are living very, you know, unafraid life. So aunt actually, she wanted to live that life as like of a tiger, jaisa tiger jeeta hai, king of a जंगल की तरह, लेकिन शी वॉज नॉट एबल टू लीव दैट लाइफ एंड शी वॉज इन द डिप्रेशन। सो दैट इज वाई बिकॉज शी वॉज इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, है ना, क्योंकि मेल्स आर सुपीरियर इन अवर सोसाइटी दैन फीमेल्स, मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और इसी वजह से शी इज बाउंडेड इन द मैट्रियार्कल स्टेटस, शी इज बाउंडेड विद मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिजेस, and that is why she was not feeling freely to live her life. Okay, so one more thing that in this video you will see some important hard words are there, so you have to write in your notebook, and the second thing is that I will send you the poetic devices that you will also write it in your notebook. Okay, so word meanings and both literary devices, both should be in your notebook, and plus question answers. Okay, I hope that you understand the poem, and if you're having any queries you can contact me. Okay, till then, happy learning.